नसीब वाले हैं वो जिनके सर पर पिता का हाथ होता है, पर अगर वो ही पिता एक नन्ही सी जान पर एसिड फेंक दे तो वो मरती नहीं, मर के जिंदा होती है। मीट अनमोल रॉड्रिगेज, जो आज एक एक्टर है, फैशन ब्लॉगर है और एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है जिनके इंस्टाग्राम पर 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर है। I'm an actor, model and a social media influencer. Well, हर लड़की का ये मानना होता है कि वो अपने पापा की परी होती है, मगर अनमोल के पापा का मानना कुछ अलग था और इसी अलग सोच की वजह से अनमोल टुडे हैज अ कम्प्लीटली डिसफिगर्ड फेस, शी लॉस्ट एन आई एंड शी हैड टू अंडरगो अ लॉट ऑफ सर्जरी। लेकिन ये कहानी कोई विक्टिम की नहीं, विक्ट्री की है। चलिए अनमोल से ही जानते हैं। When I was just 2 months old newborn baby, my dad had poured acid on my mom, and that time I was in a lab, so it fell on me, and after that my mom died, and I don't know about my dad, because what means while growing up I've listened a lot of stories कि उनको jail हो गई है या फिर he is now released from the jail. But I don't really know कि मतलब he is alive or he is still in the jail or मतलब क्या है, but this is the story and I don't know the reason कि उन्होंने क्यों किया, क्या क्या क्या, I was a small child, मैं बस दुनिया में आई तो थी and then this thing happened, तो reason भी नहीं पता। और उसके बाद भी कभी means mom dad और फिर जो मेरे relatives थे उनसे कभी मेरा interaction नहीं हुआ, उनसे कभी मिलना जुलना नहीं हुआ, क्योंकि nobody came forward to take care of me. I was in the hospital till 5 years and then nurses and doctors were taking care of me. उन्होंने मेरे well-being के बारे में सोचा and then they handed me to the orphanage. फिर orphanage वालों में इतने time तक you know they were there for me, taking care of everything of me, मुझे पढ़ाया लिखाया और you know इतना काबिल बनाया कि मैं एटलीस्ट बाहर चल के I can be independent. लेकिन एक एसिड विक्टिम का ख्याल रखना कोई आसान बात नहीं। ऐसे बच्चों को सिर्फ संभालना ही नहीं पड़ता बट इसकी कई सारी सर्जरीज और मेडिकेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। I was in the orphanage, so my orphanage people have done some surgeries for me. And उसके बाद तो शायद orphanage से बाहर निकल के I've gone through only one surgery, because it's very difficult and expensive. Not difficult, it's very expensive. So my budget was not that much high. So and there is a scheme कि government तुमको कुछ compensation amount देती है. But that is also very less, means government deti hai 3 to 5 lakhs and that is one time, and 3 to 5 lakh ye tumhare ek chote surgery ka amount hai, so if you are giving one time 3 to 5 lakh that is not enough, so government has to you know work on this. Aur saath mein karna padta hai kafi discrimination ka samna. When I started going to college, तब मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि अरे मतलब जब मैं जाती हूँ कॉलेज में कोई मेरे से बात नहीं करता है, nobody is my friend here, मैं अकेले जाती हूँ, सारे lectures attend करती हूँ, घर आती हूँ, तो ये चीज़ें तब मुझे पता चलने लगी धीरे धीरे कि ऐसे हो, मतलब है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है और लोगों को चाहिए कि अगर तुम सुंदर दिखते हो देन ओनली दिल बी योर फ्रेंड, अदरवाइज यू हैव टू बी अलोन, विच इज़ गुड आई फील. तो ऐसे आई स्टार्टेड यू नो रियलाइजिंग कि डिस्क्रिमिनेशन है इस लेवल पे, मतलब दैट वाज वेरी स्मॉल काइंड ऑफ थिंग, कि तब तक मुझे अपने तक का ही पता था कि मेरे लिए है, बट व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, मेरा जॉब हो गया, सॉरी कॉलेज कंप्लीट हो गया, आई गॉट अ डिग्री, फिर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, आई वॉज अ टॉपर, तो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन होना था, अगर उनको एकेडमिक्स के उस पर सिलेक्ट करना था, तो आई गॉट अ जॉब और मेरा 6 मंथ का प्रोबेशन चल रहा था एंड उस पीरियड में मेरे को 2 महीने बाद आई गॉट फायर्ड,
और तब भी मुझे पता नहीं था कि क्यों फायर किया, बिकॉज आई वॉज अ स्मॉल किड, मतलब अभी तो हाँ शुरू किया है जॉब पे जाना ये वो. देवर कंप्लेनिंग कि रोज ऑफिस में आके ऐसी शक्ल देखना, मतलब अगर हम ऐसी शक्ल देखते तो वी कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन आवर वर्क, हमें डिस्ट्रैक्शन होती है. पहले ही ऑफिस का इतना प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, और उसमें फिर रोज रोज आके ऐसी शक्ल देखो. सो तो बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट फायर्ड. लेकिन हर मुश्किल का सामना करते हुए छोटी सी अनमोल ने इंस्टाग्राम पे कुछ बड़ा करके दिखाने की ठान ली. मैंने नया नया फोन लिया हुआ था, आई वॉज क्रेजी अबाउट सोशल मीडिया. तो मैं वेली थी फेसबुक पे, तब ज़्यादा बहुत यूज करती थी. तो आई वॉज बिकेम वेरी पॉपुलर ऑन फेसबुक दैट टाइम, जब मैंने अपना फोटोज एंड ऑल पोस्ट करना शुरू किया, और जब मुझे लगा कि अरे पीपल आर अप्रिशिएटिंग, दे आर लविंग माई पोस्ट, तो फिर ये चलता गया. और फिर दिस इज हाउ आई स्विच टू इंस्टाग्राम. एक साल के अंदर आई गॉट 1,00,000 फॉलोअर्स. आई केप्ट ऑन पोस्टिंग माई पिक्चर्स, जिसमें मैं यू नो जैसी हूँ वैसी हूँ. इट वॉजेंट लाइक कि मैं फिल्टर डाल रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, या फिर बहुत ही ज़्यादा यू नो कैमरा लेके फ़ोटो खिंचवाया. मुझे फिर पता चल गया था कि माई प्रोफाइल इज़ काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन. तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि मैं वैसा ही कॉन्टेंट दूँ. और सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, आज अनमोल ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ एक शॉर्ट फिल्म भी की है. टुडे माय शॉर्ट फिल्म टर्न्ड अ ईयर. दिस मूवी इज बेसिकली अबाउट एन एसिड अटैक विक्टिम एंड अ ओल्ड लेडी. मतलब डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, मतलब कोई कैसा भी हो, मुझे लेकर डिस्क्रिमिनेशन है बिकॉज ऑफ माई फेस इज नॉट दैट गुड. ओल्ड एज लोगों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है कि वो लोग टैटू नहीं करा सकते, वो फैशनेबल नहीं हो सकते हैं, ऐसा. इट्स अ स्वीट सिंपल स्टोरी बट मैसेज देती है एक, और उसमें एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है एंड देन देयर इज मी एन एसिड अटैक गर्ल. तो डिस्क्रिमिनेशन हर किसी के लाइफ में, इट इज सॉर्ट ऑफ दैट. Anmol is very famous on Instagram and she's a happening Instagrammer. I'm going to take some tips from Anmol today. Anmol, I'm going to show you my Instagram profile, okay? You have to give me 3 tips as to how I should become a pro at this, okay? Okay, here we go. This is my Instagram profile. My thing is ki I don't go for bahut hi zyada, you know, high content ki DSLR se photo khich ke dal. आई डोंट गो, मेरा ऐसा है कि आई क्लिक माई पिक्चर और फिर जैसी है स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो एनजीओ के अनएथिकल वर्किंग स्टैंडर्ड्स के वजह से उससे जुड़ी हुई नहीं है. यहाँ मुंबई में कुछ भी नहीं था. आई डिड आई लेव दिस क्योंकि देर वॉज अ लेडी, शी इज ऑल्सो अ एसिड विक्टिम. तो उसने क्या किया इसमें, मीन्स वॉट माई मोटिव वॉज कि शी विल कलेक्ट फंड्स एंड दैट विल डिरेक्टली गो टू अ विक्टिम्स ट्रीटमेंट. वी वर नॉट टेकिंग एनीथिंग एज कि एनजीओ का फंड. लेडी स्टार्टेड कि नहीं एनजीओ को ही दो, एंड शी डिड लॉट ऑफ ऐसा, मतलब मैं क्या बताऊँ, it's being a survivor. She was doing this, so I was very upset. Now I do a lot of things. I'm working with a company which is Kymeet. My position is business development manager. और जब हमने अनमोल से पूछा अपने आप को एक वर्ड में बताए, तो उसने कहा
आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन एंड अनमोल अनमोल रतन यस एज माय नेम. Anmol for you, and she has really, really been an Anmol Ratan for us. Talking to her has been amazing, and she's such an inspirational person to talk to. Even if you have some inspirational stories, then hit us up in the comments below, and don't forget to hit like, share, and subscribe to Street Stories and Girly Nails.